दोस्तों मैं हूं आयुर्वेदिक डॉक्टर मुकुल शर्मा और आज हम बात करेंगे लिंग की साइज को लेके, लंबाई मोटाई को लेके। लंबाई मोटाई दो प्रकार से कम होती है, एक तो जन्मजात कम होना और एक कुछ समय बाद ढीलापन की वजह से या ज्यादा मास्टरबेशन की वजह से या हार्मोन्स की कमी से, इसकी वजह से भी कई बार आपकी साइज 5 होती है तो वो 3 हो जाती है धीरे धीरे करके, और सही से इरेक्शन नहीं आने की वजह से भी साइज कम हो जाती है। तो इन दोनों में हम अंतर जानेंगे और क्या इनको वापस सही किया जा सकता है या जन्म जात है तो क्या उसको वापस लंबा मोटा किया जा सकता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर आप भी इस चीज से कंफ्यूजन है और आप इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं या इसका इलाज है या नहीं है और कहां हो सकता है, तो सबसे पहले मैं आपको कंफ्यूजन दूर करूंगा, क्या ऑयल लगाने से लिंग की लंबाई मोटाई बढ़ सकती है? तो ये है सरासर गलत बात, नहीं हो सकती। और दूसरा इसमें एक और बताऊंगा कि कितनी नॉर्मल साइज होनी चाहिए। इस वीडियो में सारी डिटेल हम कवर कर लेंगे साइज को रिलेशन में। तो सबसे पहले हम जन्मजात की बात करते हैं। अगर आपका हमेशा से परमानेंट ही साइज छोटा था, यानी 4 इंच 3 इंच 5 इंच या 10 इंच कितना भी था और वो हमेशा बचपन से छोटा ही है, उतना ही है जो साइज आपकी पहले थी, तो उसको बढ़ाई जा सकती है क्या? तो सबसे पहली बात है, इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं बढ़ाई जा सकती है, ज्यादा ज्यादा आधा या 1 इंच, इससे ज्यादा कोई चांस नहीं है। अगर आपको कोई वादा कर रहा है, गारंटी ले रहा है, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें अगर आपका बचपन से ये प्रॉब्लम है और नहीं, मतलब बचपन से प्रॉब्लम नहीं है और उसके बाद आपको आगे जाके प्रॉब्लम आ रही है, चाहे 30-40 साल की उम्र में आई है आगे बढ़कर, या मास्टरबेशन से आई है या अदर कारणों की वजह से आई है, तो उसको हम वापस पहले जैसा कर सकते हैं? तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। इसको आयुर्वेदिक दवाइयों से और ऑयल, ये सारा एक पूरा पैकेज से सही किया जा सकता है और बिना साइड इफेक्ट के, ठीक है। और अगर आपको कोई कह भी दे, कोई भी डॉक्टर हो, चाहे कोई झोला छाप हो, कोई भी सर्जन हो, कोई भी अगर आपको कह दे कि सिर्फ ऑयल लगाने से हो जाएगा, तो वो आपको केमिकल देगा तो यानी आपको वो बर्बाद कर देगा। एक बार आप लगाते हो, आपको सही हो जाता है, फिर कुछ देर बाद वापस खराब हो जाता है, तो यानी समझ जाइए आप बर्बाद होने वाले हो। तो ऐसी दवाइयों से जो बचें, जो जितना जल्दी आपको ठीक करने की वादे करते हैं, ये सब आपको बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें कहां और आपको बचाया जा सकता है। जैसे कि देखो दोस्तों, इसमें कम से कम भी 3-4 महीने का टाइम लगता है, चाहे आप रिकवर करना चाहते हो या थोड़ा सा साइज आपका बढ़ाना चाहते हो, या ठीक है, तो इसके लिए आपको कम से कम भी 3-4 महीने का वक्त लगता ही लगता है, क्योंकि केमिकल होता है वो आपको जल्दी, तो आपको लगता है कि रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन वो आपको बर्बाद कर देगा, आगे आने वाली लाइफ आपकी खत्म कर देगा, ठीक है। तो हम इसमें 3 पार्टीशन में लेके चलते हैं। सबसे पहले ऑयल लगाने से, अकेला ऑयल लगाने से इसमें कुछ नहीं होगा, साइज में आपको अंतर नहीं आने वाला है। इसमें आपको ऑयल और मेडिसिन दोनों ही खानी पड़ेगी, क्योंकि ब्लड फ्लो भी बढ़ाना पड़ता है अकेला, ठीक है। मसल्स के लिए आपको ऑयल देनी पड़ती है और एक मेडिसिन बहुत जरूरी है आयुर्वेद में। ये दोनों 3 चीज का यूज करके ही हम इस पूरी बीमारी को खत्म कर सकते हैं आयुर्वेदिक तरीके से, ठीक है। अभी इसमें अगर आप चाहते हो कि ये सोचते हो कि सर साइज कितना होना चाहिए, तो साइज मैं कहता हूं कम से कम देखो 4 इंच भी है आयुर्वेद के अनुसार तो काफी है, लेकिन इसमें अगर आपका 4 इंच से कम है तो 3 इंच है, 3.5 इंच है, 2.5 इंच है, तो इसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपका अगर 5 इंच है, 6 इंच है, 7 इंच है, वहां भी अगर आपकी टाइमिंग सिर्फ 2-3-4 मिनट है तो आपकी सेक्स टाइमिंग नहीं होगी, तो आप साइज चाहे 10 इंच का लेके बैठ जाओ, चाहे 4 इंच का लेके बैठ जाओ, कोई मायने नहीं रखेगा। टाइमिंग कम से कम भी 20-25 मिनट की होगी, तो आपका साइज छोटा है बड़ा है तभी आप एक सेक्स लाइफ अच्छे से बिता पाएंगे। अगर आपकी टाइमिंग कम है और साइज बड़ा है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, साइज छोटा है टाइमिंग कम है तो भी आपकी खराबी है। साइज पे ध्यान ना देके आपको टाइमिंग इंक्रीज करने के लिए अपना फोकस रखना चाहिए। टाइमिंग इंक्रीज के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, बहुत सारी रिसर्च आपको डाली हुई है, वो आप देख सकते हो। और भी आपको कोई एक्सरसाइज अगर और भी आपको मेडिसिन के लिए आपको वीडियो बनवानी है तो मुझे कमेंट करिए। और अगर आपको साइज से रिलेटेड इशू हो, टाइमिंग से रिलेटेड इशू हो, इरेक्शन से रिलेटेड इशू हो, और मास्टरबेशन रिकवरी से रिलेटेड इशू हो, आयुर्वेद में आप बिना साइड इफेक्ट के रिकवर होना चाहते हैं, तो आप मुझे इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप मुझे SMS कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम डिटेल में, आपको एक परमानेंट इलाज जरूर दूंगा,